आज निकले हैं अभी घर के लिए। ऑलमोस्ट 247 हो चुका है और टोटल किलोमीटर है 110, जिसके लिए टाइम बता रहा है पहुंचने के लिए टाइम बता रहा है 6:10। और कैमरा का बैटरी भी लो हो गया था, एक्चुअली निकलने का तो कोई और टाइम पे 1 बजे, लेकिन कैमरे की बैटरी चार्ज नहीं थी। जैसे तैसे एक बैटरी को चार्ज किए हैं, उस बेस के ऊपर निकले हैं और फिर बाकी 2 बैटरी को चार्जिंग को लगा दिए हैं। तो अभी हम ऑलमोस्ट 6-8 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ये रोड को बोलते हैं ओल्ड गंगा रोड। ये अभी नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है, ये अंदर का ही रोड है लेकिन अभी फ़िलहाल। और ये 166A के लिए राइट मारने का है। एक्चुअली मैं पानी की बोतल भी नहीं लिया हूँ, तो आई थिंक वो मैं कैरी कर लूँ कहीं से तो अच्छा रहेगा, बाद में कहीं रास्ते में तकलीफ़ ना हो प्यास की। गर्मी तो है तो प्यास तो लगनी ही है गर्मी के वजह से। तो गर्मी वो इस वजह से क्योंकि अभी गाड़ी बाइक स्लो हो गई, ये थोड़ा फास्ट चले तो हवा आएगी तो गर्मी का उतना एहसास नहीं होता। अभी हमने अप्रॉक्स 20 किलोमीटर के आसपास में कवर कर लिए हैं। मैं एक्चुअली ये रीसेट करने के लिए भूल गया, तो एक अंदाजा नहीं बता पा रहा हूँ फिलहाल। तो आई थिंक घाट सेक्शन टाइप का है ये, और रोड काफ़ी ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। कहीं भी स्टॉप लेंगे तो वहाँ से एक बार ये देख लेंगे कि अपना टोटल डिस्टेंस कितना है, एंड उस हिसाब से ट्रिप बी को इस बार रिसेट मार देंगे, सो दैट एक अंदाजन अपने को मालूम पड़ता रहे कितना किलोमीटर पेंडिंग है और कितना किलोमीटर हुआ है। ये देखो आउट ऑफ मुंबई निकलो तो भाई नियम कानून कुछ रहता नहीं है दुनिया में, ऐसा है। ये रहा वो इंडस्ट्री कल देखे थे, काफ़ी बड़ी है। और एज पर लास्ट मैंने 2 मिनट का स्टॉप किया था तो पानी लेने का था, उस टाइम पे मैंने चेक किया तो ऑलमोस्ट 95%
25 किलोमीटर हमने कवर कर लिए थे एंड 95 किलोमीटर बाकी था और मैंने ट्रिप बी को भी जीरो कर लिया, तो अभी एटलीस्ट 95 से कैलकुलेशन भी करेंगे तो हमने 4.5 किलोमीटर अप्रोक्स कवर कर लिए हैं और 8 किलोमीटर अभी भी बाकी है मेन रोड को टच करने के लिए, तो उसमें से हाफ रोड कवर कर लिया, अभी हाफ रोड बाकी है। टाइमिंग के हिसाब से हम 6:10, 6:11 तक के पहुँच भी चाहिए अगर सेम स्पीड पे या सेम वे से चलेंगे तो। बस ये रोड के एंड से लेफ्ट है, आगे से लेफ्ट है, लेकिन गूगल बाबा ने अभी तक कुछ बोला नहीं अपने को लेफ्ट के लिए, लेकिन हम ले लेंगे, बस लेफ्ट दिख तो जाए पहले, अभी तक दिखा नहीं, बस टर्निंग है। ये यहाँ पे सॉल्ट है आई थिंक, ये नमक, और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये रोड भी एकदम ख़राब था, खड्डे पड्डे ये वो सब, अभी तो एटलीस्ट ब्लॉक डाल के रोड को चलने लायक चलाने लायक तो बना दिया, एटलीस्ट बाइक तो चल सकती है इसके ऊपर, नहीं तो ऐसा था कि कुछ नहीं चला सकते थे इसके ऊपर, खड्डे पड्डे सब। ओके वन मोर थिंग, हमने अभी तक के 9.3 किलोमीटर कवर किए हैं एंड टाइम हो गया है 3:48, मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर और माइनस कर देंगे 95 में से तो 85 किलोमीटर और बाकी है। ओहो हो, अभी से थोड़ा मिस हो जाता है। और ये हम आ गए मेन रोड पे, टाइम अपडेट, वैसे ज़्यादा डिस्टेंस पर देखो सामने वाली BSW स्पीड ब्रेकर और उधर जान बुझ के घुमा रहा है। टाइम अपडेट 3:57 एंड हमने कवर किए हैं 17.8 किलोमीटर फ्रॉम द लास्ट स्टॉप। गाड़ियाँ अभी पूरे रोड को ब्लॉक करके रखी हैं। इधर भी रोड कर दी, पहाड़ को कट कर दिए पूरा, मतलब यहाँ दिख रहा है। काफी लंबी जर्नी बाकी है, पूरे लाइट के पोल देख लो, मैं एक पे भी लाइट नहीं है, गवर्नमेंट इसलिए लगाइए पूरे ब्रिज के ऊपर एक पोल पे भी लाइट नहीं है। ये रहा वो, ऐसा करके थम्स अप दिखा रहा है। यहाँ से 6 किलोमीटर कंटिन्यू करने का, खत्म होता नहीं, अभी भी लंबी है काफी। अभी खत्म हुआ,
अब थोड़ा फील हो रहा है कि इंजन गर्म हो गया है, इनके पैर के इधर थोड़ा सा हीटिंग हुआ है राइट साइड में। हीटिंग देखेंगे, उसको कूल करने बैठेंगे तो हमको स्टॉप लेने पड़ेगा, और स्टॉप लेंगे तो टाइम आगे जाएगा जो करना नहीं है। ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, इन केस लगेगा वैसा कि अब ब्रेक ले लिया जाए तो ले भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेक के बिना ही चलाने का नॉन स्टॉप, वैसा वाला अपना नहीं हिसाब किताब। इधर क्यों लगाया, उसका मुकुट नहीं है, कहाँ जाने का उसको पता नहीं, इसके से बीच में रोक दिया उसने लगता है। और ये ना कल का न्यू बॉम्बे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये राइडर्स ग्रुप संडे मनाने गए होंगे कहीं पे। अरोली वाले आ गए, और ये रहा अपनी जगह, इस रोड से जाने का था एंड अभी हमको स्ट्रेट चलने का है 8 किलोमीटर स्ट्रेट। ये वाला रूट थोड़ा प्रिफरेबल है क्योंकि यहाँ से फिर हम चले जा सकते हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू घाटकोपर वाला रोड। घाटकोपर में ट्रैफिक होती है और आज थोड़ा ज़्यादा होने की चांसेस है। चलो ट्रैफिक में से तो फिलहाल निकल गए, और अभी आगे एक समुंदर ही बोलने पड़ेगा अभी इसको, तो तालाब तो बोल नहीं सकते, इस साइड में है, आई डोंट नो दिखा पाऊंगा कि नहीं कि ये रहा। काम चालू है पूरा इधर, आई थिंक ब्रिज पे एक्सटेंड करने का ही, यस ब्रिज पे एक्सटेंड करने का काम चालू, क्योंकि इसके लेवल में उसको भी बनाया जा रहा है। यहाँ पे भी निकले बस ट्रैफिक ना रहे, क्योंकि भाई 1-2 मिनट लगा था वो क्रॉसिंग करने के लिए ट्रैफिक, एंड गर्मी इतना ज़्यादा होने लग गया था कि बस अभी थोड़ा सुकून है। घाटकोपर के रोड से नहीं जाने का है, बट गूगल सुनता है थोड़ी ना, वो तो अपने हिसाब से चलाता है, उनको चलने का चलो नहीं चलने का मत चलो, लेकिन अपने पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना, तो लेके तो आया घाटकोपर से, घाटकोपर मानपुर रोड से। और अभी हम थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक में अटक रहे थे उसके वजह से, जो पीछे ट्रैफिक था, लेकिन अब घाटकोपर के पास में है तो यहाँ से बस निकलने का है। लो 1 मिनट का सिग्नल है अपने लिए, नहीं चलो ये अच्छा है। लो यहाँ पे तो ट्रैफिक तो नहीं लग रहा है, स्लो मूविंग है भले से, ट्रैफिक ना ही मिले लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जो सिग्नल पे हम अभी पहुँचने वाले, जिसका नाम सुरेश ही बोलते हैं, तो यहाँ पे सिग्नल पे ट्रैफिक ना मिले ऐसा होगा ही नहीं, ट्रैफिक के बिना ये रोड नहीं है, सिग्नल नहीं है। गए हम अपने घर के पास में, पास में आए अभी पहुँचे नहीं है, एंड यहाँ से भी अप्रोक्स 2-2.5 किलोमीटर और है, और विच विल बी लिटिल बिट हेक्टिक, क्योंकि
यहाँ पे थोड़ा रोड छोटा है एंड गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आती जाती रहती है, दोनों व्हीकल्स ही है, तो इसके वजह से थोड़ा स्लोनेस रहेगा यहाँ पे। और टाइम के हिसाब से बोले तो अगर ऐसे भी चलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। हमने बोले बीच में एक स्टॉप लेंगे बट स्टॉप लिए ही नहीं, कंटिन्यू आ गए। मतलब ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर बीच में एक ही स्टॉप लिए थे 2 से 5 मिनट का बस। एनीवे फॉर टाइम अपडेट 5:31 हो चुका, 87.1 किलोमीटर हमने कवर कर चुके हैं फ्रॉम द प्लेस हमने जहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लिए थे। अब ये पॉइंट तो ट्रैफिक वाला ही रहता क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से गाड़ी आती जाती है, तीनों साइड से एक्चुअली, ये टी शेप है तो यहाँ पे गाड़ियाँ जाम करती ही करती है। एक दो स्पॉट है जहाँ पे थोड़े बहुत पैचेस या हो गड्ढे हैं बट ठीक है, कंपेरेटिव ये बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे एकदम सुपर एक्सेलेंट है और ऐसा भी नहीं बोल सकते एकदम ख़राब है। 5:35 हो गया, अगर ऐसे ही चले गए तो हम 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, 1 से 1.5 मिनट में घर पे, जो कि अच्छी बात है। बस पहुंच गए ऑलमोस्ट हम भी घर पे अपने, हाय अभी थोड़ा दूर बट पहुंच गए बोल सकते हैं यहाँ से। बस आ गए हम अपने घर के पास में। आज भी मैं चुप नहीं आई, आज भी तो नहीं